हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। इसका जो बैक पार्ट था उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और बैक पार्ट देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा बैक पार्ट पिछली वीडियो में कट चुका था। मेजरमेंट मैं बता चुकी हूँ, इसका तीरा 15 और फ्रंट क्रॉस 12 है, बैक क्रॉस 15, अपर ब्रेस्ट 35 है और मेन ब्रेस्ट 36 और कमर 30। जिस हिसाब से हमने बैक पार्ट काटा था उसी हिसाब से हम फ्रंट पार्ट को भी काटेंगे। फ्रंट पार्ट काटने के लिए इस साइड से हम इसे ओपन रखेंगे, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है और बैक वाला हिस्सा इसका बंद है। अब इसमें हम सबसे पहले आई हुक के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। क्वार्टर इंच के आसपास हम इसमें मार्जिन छोड़ेंगे आई हुक की पट्टी के लिए। और ये हमारा तीरा है। सेम जैसे हमने बैक पार्ट काटा था उसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट को भी काटेंगे। फ्रंट पार्ट में जो हमने फ्रंट क्रॉस ड्रॉ किया था, ये वाला फ्रंट क्रॉस ड्रॉ किया था, क्योंकि इसमें हमने पहले से ही सब कुछ मेज़र कर लिया था। दो पार्टों में हमने इसको इसका आर्म होल रखा था। ये बैक पार्ट का आर्म होल था और ये फ्रंट पार्ट का आर्म होल था। फ्रंट पार्ट का आर्म होल आधा इंच बड़ा करता है, जिससे प्लेट की वजह से श्रिंक होकर के वो स्टिचिंग के दौरान बराबर आ जाए। और फ्रंट क्रॉस था हमारा 6, बैक क्रॉस था हमारा 15, तो 15 का आधा 7.5। 7.5 के बाद हम इसका जो आर्म होल राउंड है वो कवर किया था हमने 18 के आसपास। 9 इंच पे हमारा आर्म होल राउंड कवर हुआ था। आर्म होल राउंड कवर जहाँ पर होता है वहीं हम कटिंग करेंगे। और इसका जो मेन ब्रेस्ट था वो था 35, तो 35 का चौथा 9.25 और उसमें आधा इंच लूजिंग डाली थी हमने। आधा इंच लूजिंग डाल करके 9.25 के आसपास इस पर मार्क कर दिया था। और मेन ब्रेस्ट थी 36, तो 36 का चौथा 9 और उसमें आधा इंच लूजिंग डाल करके 9.5 के आसपास हमने मार्क किया था। कमर थी 30, तो 30 का चौथा 7.5 और उसमें 2 इंच डट के लिए डाल करके हमने बैक पार्ट पूरा ड्रॉ कर दिया था। इसी को मेज़र करते हुए हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर देंगे और इसे जो फ्रंट आर्म होल राउंड था उसे कवर करेंगे। आप इसे व्हील ट्रैकर की सहायता से भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर चौक को पलट करके भी ड्रॉ कर सकते हो। इसमें हम सिर्फ जो लेंथ आएगी हमारी वो थोड़ा सा बड़ी आएगी, क्योंकि बैक जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें 4 प्लेट पड़ने की वजह से थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने की वजह से हम आधा इंच इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। और अब इसे कट कर देंगे। ये हमारा आर्म होल राउंड ट्रैक हो चुका है। अब इसमें हम प्लेटें डालेंगे। इसका बस्ट पॉइंट था 10 पे, तो 10.5 पे हम मार्क करेंगे। 10.5 पे आधा इंच स्टिचिंग में जाने की वजह से हम 10.5 पे मार्क करेंगे। और जो इसकी विड्थ आएगी, सेंटर प्लेट की विड्थ आएगी 4.5 के आसपास। जहाँ इसका बस्ट पॉइंट होता है ठीक वहाँ से नीचे हम प्लेट डालना शुरू करेंगे। बस्ट पॉइंट से ऊपर नहीं प्लेटें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसमें फिर जो बस्ट उभार होता है उसका साइज सही नहीं आता है, इसलिए हम बस्ट पॉइंट पे ही मार्क करेंगे। ब्लाउज़ में सबसे मेन होता है फुल ब्रेस्ट और बस्ट पॉइंट। अगर बस्ट पॉइंट आपने सही ले रखा है और फुल ब्रेस्ट सही ले रखी है तो फिटिंग
सही आती है, और इसमें जो प्लेटों की दूरी होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो ब्रेस्ट उभार के हिसाब से होता है। अगर आपका ब्रेस्ट उभार कम है तो 1.5 इंच या 2 इंच के आसपास इसमें दूरी रखें। अगर आपका ब्रेस्ट उभार ज़्यादा है तो आप 2.5 या 3.25 इंच के आसपास भी दूरी रख सकते हो। और ये आर्म होल की प्लेट पड़ेगी, सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इसकी जो दूरी होगी वो लगभग 3.5 के आसपास होती है। सिर्फ आर्म होल वाली प्लेट की दूरी होती है 3 या 3.5, बाकी सारी प्लेटें आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। जैसा जैसा आपका मेज़रमेंट है उस हिसाब से डाल सकते हो। और फिर ट्रैकर की सहायता से दूसरे पल्ले पे निशान उठा देंगे। अपर ब्रेस्ट, मेन ब्रेस्ट और कमर का निशान लगाते हुए इस पे हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। और जो ये हमारा अस्तर है इसी को हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे। मेन फैब्रिक भी सेम कटेगा, जैसे अस्तर कटा वैसे ही सेम मेन फैब्रिक कटेगा। इसमें सबसे मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो बूटियां हैं उन बूटियों का ध्यान रखें कि बूटियां किस तरफ जा रही हैं। बूटियां हमेशा ऊपर की तरफ आनी चाहिए, इसलिए कपड़े को इस तरीके से बिछाएं कि दोनों साइड बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की बूटियां ऊपर की तरफ हों। और अब सेम जैसे हमने अस्तर काटा था वैसे ही हम मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के तैयार हो चुका है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।